अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई हम परेशानी आप तक ना आए, आमीन सुमा आमीन। तो पहले तो आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ, ईद का ड्रेस है, मैंने दोबारा वेयर किया है और माशाल्लाह से देखें जी मैं कहाँ आई हुई हूँ। मैं आई हूँ जी, थोड़ा सा मैं आई हूँ जी अपनी कज़न के घर आई हूँ। मैंने आपको बताया था फर्स्ट कज़न है इनके घर जी, आज हम आए हैं, इन्होंने इन्विटेशन दी थी, तो आप इनका पूरा घर भी दिखाएंगे। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जी अपनी दुआ में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो जी माशाल्लाह सर, ये है जी इनके बच्चों का रूम है, अभी तो ज़रा मैसी हुआ है, ये इनके बच्चों का रूम है और माशाल्लाह से बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छी हैं। अभी ये किचन है, ये ऑफ हुआ है, मैं ऑन करवा के दिखाऊँगी और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो दिखाऊंगी पूरी एक्टिविटी दिखाऊंगी, आज का ब्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वॉश करना है, ठीक है जी। आप दोनों क्या कर रहे हो? सैफुल आप छोड़ दो उसको, खाने दो है ना भाई, चोचो पाली ची बेबी को खाने दो। चीज़ उबैद ने दिलाई है ना, ऐसा के तो मज़े हो गए। क्या है? चॉकलेट केक है बेटा, चॉकलेट वाला केक है। इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ। देखो तीनों, इधर देखो, इज़ा समीउल्ला क्या हो रहा है, देखे शरारतें हो रही बच्चों की। माशाल्लाह से हो रहे जी नगेट्स फ्राई और यहाँ भी ये भी नगेट्स ही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें जी दही बड़े, वाह ज़बरदस्त रेसिपी। ये घर में बनाए हैं, घर में बनाए हैं ये भतीजा, माशाल्लाह मुँह में पानी आ रहा है। और जी माशाल्लाह से ये देखते हैं, अच्छा जी माशाल्लाह शामी और चिकन टिक्का ज़बरदस्त। और ये जी काम में लगे हुए हैं और मैं बना रही हूँ वीडियो, काम में लगे हुए हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह से यहाँ ले जा रहा है जी, ये क्या हो रहा है, झूला कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो जी माशाल्लाह से ये जी चने के चाट, दही बल्ले, शामी और जी ये फूड ट्राइफल और चिकन टिक्का नगेट्स और भी जी दही बल्ले और जी सांस चढ़ के बैठने में वीडियो बनाने में। आज आप लोग भी हमारे से बिस्मिल्लाह करें और माशाल्लाह ये सब घर की बनी हुई डिशेज हैं, घर में बनाई हैं। और ये जी उबैद लगा रहे हैं जी साथ हमारे चलो जी समीरा ले लो। अम्मी ने केक काटा है, बाजी ने मंगवाया है और अम्मी केक काट रही हैं। और माशाल्लाह से खाए रहे हम इतने मज़े की घर की बनी सारी चीज़ें। बच्चे खेल रहे हैं, देखें जरा, देखूं जरा क्या आपस में एक दूसरे को धक्का ना दे दें, टेंशन होती है। क्या करो, लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। हाँ जी, ये किसका कमरा है, ये किसका कमरा है, मेरा। ये आपका है माशाल्लाह। और यहाँ कौन काम करता है बैठ के? मैं गेम खेलते हो, सही आज गेम, वाह। नहीं आप ना गेम खेलो ना, भाई की गेम खराब कर दोगे, छोटे छोटे बेबी होते हैं ना वो गेम खराब कर देते हैं। और ये देखें माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं, मैं इनको देखने आई थी कि ये तंग तो नहीं कर रहे और भाई कोई एक दूसरे को धक्का ना दे देना, आप ध्यान रखना ठीक है, बच्चे एक दूसरे को धक्का ना दे कहीं सर ना लग जाए, बस ये टेंशन होती है और तो कुछ नहीं। इनको भी आके बार बार मैं चेक करती हूँ सबको। और यहाँ टीवी चल रहा है, बंद कर दो। और बस अभी खाना पीना और था, किचन भी फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त बाजी ने, ये मेरी कज़न का है जी घर। क्या हो रहा है मंटू जी? छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, चलो खेलो छुपन छुपाई। माशाल्लाह से चाय बन गई है, मज़े की गाड़ी गाड़ी चाय शाम और चाय ना मिले ये हो ही नहीं सकता तो ज़बरदस्त
हमारी प्यारी सी बेटी, हमारी बच्ची देखे हाथों में हमने पाला और आज देखें जी माशाल्लाह घर के काम कर रही हैं। ऐसे ही होता है, माओ के हाथ बटा रहे और वहाँ बाजी और मेरी बहनें गपशप में लगे हुए हैं। यहाँ मैं मसरूफ़ हूँ वीडियो बनाने में। समी अल्लाह सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। ये है जी इनका पिक्चर, मैं बाहर का भी दिखा दूँ। ये देखें जी, और ये देखिए अहमद, मोहम्मद अहमद कहाँ हुआ वाला शबीबी। और ये माशा से चाय डल रही है कपों में और बच्चों ने खुद ही डिवाइड कर ली चीज़ें, हमें देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई और खा रहे हैं बच्चे माशाल्लाह से। और बस ये चाय के मग हैं, कितने खूबसूरत, बहुत ही प्यारे मग हैं। तो बस खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो और ये पार्टी भाई, वाह भाई, क्या क्या लेकर आए, वो बैग ईजा के तो मज़े हो गए। अयान को भी दो भाई, मेरे बेटे को। अयान को भी दे दो, माशाल्लाह से। हम अभी उधर ही थे अपनी कजन के घर, तो बहन को पता चल गया कि मैं उधर आई हुई हूँ, तो बहन बड़ी जो सबसे बड़ी सिस्टर है उनकी कॉल आ गई कि मेरे घर से होते हुए जाना, तो बस अब मैं इधर आ गई हूँ। तो थोड़े से क्लिप्स आपको यहाँ के भी मिलेंगे मजे मजे के, और वीडियो तो बहुत ही माशाल्लाह मजे की होने वाली है, क्योंकि वहाँ की भी वीडियो मैंने आपको दिखाई जहाँ हम गए हुए थे, और यहाँ मैं आ गई हूँ सिस्टर के घर, आ गई बड़ी सिस्टर के घर। तो यहाँ भी थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाऊँ, और बस ये कि छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लग रहा है कि आप मेरे इतना मुझे सपोर्ट करें, इतना प्यार दे रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए बहन की बेटी है छोटी सी, तो बस ये है कि मैं दूसरे कमरे में आ गई, उधर मेहमान बैठे हुए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं भाई बार बार वीडियो को, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो बस आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। बिनोई लेकर आ गए, तो सिस्टर को मैंने कहा आप किचन का काम कर लो और मैं कर लेती हूँ जरा कमरे का, और बच्चे अब आसपास बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा ठीक है सिस्टर सब मिलकर जरा काम कर लेते हैं। और ये लेकर आए हैं जी बेकरी का सामान, और माशाल्लाह कल भी आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा और आज का भी ब्लॉग, तो बस हम आप भी कहते होंगे हर वक्त खा रहे हैं खा रहे हैं और खा रहे हैं, तो बस यही होता है जब मैके में आऊँ तो कभी एक जगह दावत कभी दूसरी जगह दावत। तो माशाल्लाह से अम्मी को क्रीम रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे बिनोई ने वही चीज़ लेकर आए हैं जो अम्मी को पसंद है। और ये जी ये वाले लेकर आए हैं, और माशाल्लाह से ये भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे मेरे भी हैं, बहन के भी हैं, अम्मी भी हैं, बाकी सिस्टर अपने अपने घर चली गई हैं, तो मैं और अम्मी आ गए बच्चों को लेके। तो बस ये मैं डिश आउट करती हूँ, देखेंगे ज़बरदस्त, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं ये रोल भी। अच्छा जी ये है जी केक, केक भी बच्चों को बहुत पसंद है। और ये है जी समोसे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के हैं। ये देखिए मैं भी प्लेट में निकालती हूँ, आइए आप लोग भी आए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। तो ये इस डिश में निकाल लेती हूँ, और जी इसके साथ ही साथ ही साथ समेटते भी जाते हैं और लगाते भी जाते हैं। चलिए जी माशाल्लाह से अम्मी से यहाँ भी केक कटवाया जा रहा है और कज़न के घर भी, और इसी से चलो भाई अम्मी ने यहाँ भी केक कट किया है और कज़न के घर भी किया है। भाई आज तो अम्मी के मज़े ही मज़े हो गए, दो दो जगह केक कट किया है। अम्मी के लिए ज़िंदगी ने सेहत तंदुरुस्ती ने सब दुआ भी करें कि अल्लाह अम्मी को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुमा आमीन। तो ये बड़ी बहन की बेटी है जिनको अम्मी टेस्ट करवा रही है। फिर वो मैंने कभी हमारी दादा को साथ लगाया है, सब चीजें बॉईल रखी हुई थी ना, गर्मी में आज जैसे भी 3-4 दिन पहले नहीं पड़ी है, इस तरह की गर्मी। अच्छा आज मैं बहन के घर आई हूँ, और मैंने आपको बताया था कि मैं बहन के घर जा रही हूँ, और ये देखें जब आओ तो ये जो जवेरियाँ हैं, सलाम करो सब बच्चे, वालेकुम सलाम। जब भी आओ ना सबसे पहले बाज़ार जाते हैं इनको लेके, और चीज़ लेकर आए हैं, और चीज़ में ये देखें जी क्या क्या लेकर आए हैं, वो मिर्चों वाली। अच्छा जी माशाल्लाह, और आप क्या लाई हो, चलो जी खाओ। और ये क्या है, मैजिक कार्ड्स, देखो क्या क्या चीज़ें निकाली हैं बच्चों के लिए, ये कार्ड है इसको करो। अच्छा चलो भाई पत्नी क्या, और ये क्या है, इसमें छोटी छोटी टोपियां। वाओ ये देखो जरा पाउडर लग रहा है मुझे तो कोई अंदर, ये ऐसी चीज़ें ना लाए करो गला ख़राब हो जाता है। अब लेकर आ गए हम खाएंगे, खट्टे ना लेकर आना अच्छे, दोबारा इसे गला ना ख़राब हो जाए। और देखें सैफुल्ला को देखें ये सही आइसक्रीम लेकर आए, चलो खाओ।
माशाल्लाह से घर हम आ गए हैं और आज तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ दिन गुजरा, बहुत ज़्यादा और बहुत इंजॉय भी किया लेकिन थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो बस माशाल्लाह से घर आ गए हैं और अम्मी आते साथ किचन में चली गई हैं और अम्मी पत्नी क्या बना रही, जाके अम्मी को भी देखते हैं, चेक करते हैं कि अम्मी क्या खाना बना रही। वैसे तो मैंने अम्मी को मना किया, मैंने कहा वहाँ भी चाय पी ली, यहाँ भी चाय पी ली, पेट बिल्कुल फुल हो गया, लेकिन अम्मी कह रही नहीं खाना तो बनाना चाहिए, क्या पता तुम्हें 12 बजे भूख लग जाए, 1 बजे लग जाए, 10 बजे लग जाए। तो मैंने कहा नहीं अम्मी भूख नहीं लगती, लेकिन अम्मी कह रही नहीं नहीं खाना तो मैंने बनाना ही बनाना है। तो अम्मी चली गई है, टाइम क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी अम्मी खाना बनाने गई। तो देखते हैं कि अम्मी क्या बना रही है। माशाल्लाह से अम्मी ने टमाटर भी निकाले हैं, ऑयल भी निकाला, अभी सौदा आया है और ये कलेजी अम्मी ने निकाल के रख दी। अम्मी को पता है कि चिकन कढ़ाई में हम कलेजी नहीं खाते, और ये देखिए अम्मी चिकन कढ़ाई बना रही हैं जी बेटा। माशाल्लाह से अम्मी बना रही हैं चिकन कढ़ाई और हम चल रहे हैं जी साथ में, ये भी फ़ायदा हो गया, रेसिपी भी पूछ लेते हैं। अम्मी आप कैसे बनाती हो? ये टमाटर काट लिया, लहसुन डालूंगी। अच्छा जी, काली मिर्च डालूंगी एंड में। अच्छा जी, एंड में काली मिर्च डालूंगी जब तैयार हो जाएगा। अच्छा, दम के दौरान हरी मिर्चें के डालेंगी। और अभी डाली है अम्मी ने दरदरी कुटी मिर्चें, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और भी डालूंगी। अच्छा जी, सही। तो ये है जी, अम्मी ने नमक डाला, नमक भी डाला, हल्दी तो नहीं जाएगी अम्मी इसमें? हल्दी नहीं डालती कढ़ाई में। अच्छा, कढ़ाई में हल्दी नहीं जाती, सही है। बहुत ही मजे की अम्मी कढ़ाई बनाती हैं। और ये पुदीना भी डाल रही हैं? पुदीना क्यों डाल रही हैं, हाजमे के लिए? हाजमे के लिए। अच्छा जी भाई, अम्मी तो पुदीना भी डाल रही है, लेकिन मैं नहीं डालती, लेकिन अम्मी डाली है कि कोई मतलब हजम हो जाए, रात का टाइम है और कोई ऐसी टेंशन ना हो बच्चों को, हम सबको। तो ये अम्मी का जा रहा है जी, पुदीना भी इसमें जा रहा है। ये न्यू ट्रिक्स है पुदीने की, अगर रात को खाना खाएं तो पुदीना लाजमी डालें चिकन कढ़ाई में, तो इससे जायका भी आएगा और हजम भी रहेगा जिनको प्रॉब्लम है मैदे की। तो बस ये जी अम्मी की सिंपल सी रेसिपी। और ये अम्मी ने पहले चिकन को अच्छे तरीके से ऑयल में भून लिया था, अब इसमें सारे स्पाइसेस, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और दरदरी मिर्चें डाली हैं, और एंड में अम्मी डालेंगी काली मिर्चें और हरी मिर्चें डालेंगे बस दम के दौरान। तो ये है जी फाइनल पे, आप इसको लुक भी दिखाएंगे अगर हो सका तो, याद रहा मुझे। ये देखो जी सैफुल्ला खा रहे हैं फीस्ट, अम्मी ने मंगा के दी है। और आपकी कौन सी आइसक्रीम है? डब्बी। अच्छा जी, डब्बी वाली आइसक्रीम है। और मैंने मंगाई है जी ये वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है फैंटा की, और बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी होती है। और अम्मी ने भी फैंटा की मंगाई है, हम दोनों ने फैंटा की मंगाई है, और वो फीस्ट और ये डब्बी आइसक्रीम इन्होंने। और खांसी भी हो रही है ना, फिर भी खानी है। चलें जी खाते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम का टाइम है अब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी ने खाना बना लिया, तो मैंने कहा आपको फाइनल लुक भी दिखा दें कढ़ाई की। वैसे तो तैयार हो रहा है, दम पे है, हरी मिर्चें डाल दी है, ऊपर से काली मिर्चें भी अम्मी ने ऐड कर दी हैं। तो आपको दिखाते हैं जी कि अम्मी ने कैसी कढ़ाई बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त और यम्मी बनी है। और बस बच्चों को खाना देती, उन्हें भूख लग रही है, उनको भूख लग गई, मुझे तो नहीं लगी। और माशाल्लाह से हमारा ये खाना भी रेडी है। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ पेशावर की मशहूर रोटी, जो कि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ जब भी आती हूँ। तो तंदूर की रोटी है, तंदूर में लगती है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक ही हाथ से मैं कर रही हूँ काम, तो ज़रा मुश्किल हो रहा है। और जी ये देखें जी ज़बरदस्त सी ये रोटी है, ये देखें जी माशाल्लाह, तो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, और मतलब चबाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी से चबा लेते हैं। और कढ़ाई के साथ, और जैसे कोई भी सालन हो, आराम से उसमें डीप हो जाती, नरम होकर आप खा लेते हैं। तो जब भी मैं आती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं तंदूर की रोटी, और मतलब कोई भी सालन बनाओ तो मेरे तंदूर की रोटी मंगाइएगा। तो बस ये था मेरा जी छोटा सा व्लॉग, बहुत थकावट हो गई, और बस बच्चों को देती हूँ खाना, मुझे आ रही है नींद, आपको लग रहा है मेरी आंखों से। तो बस आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को आप लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और कमेंट्स भी प्यार प्यार किया करें, मेरी इससे हौसला अफजाई होगी। ठीक है, इजाज़त चाहती हूँ दुआओं और मोहब्बतों के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।